हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रिंटर में किस तरह से लाइनिंग आ रहा है। यहाँ पे देखिए, प्रिंट किया है मैंने, एक फोटो को प्रिंट किया है, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक ब्लैक लाइन आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे भी देखिए, एक जगह पे डार्क हो गया है रेड में और नीचे में लाइट हो गया है। मतलब कुछ दिक्कत है इसके अलाइनमेंट, इसका मतलब जो भी हेड है, हेड में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको मैंने निकाला है। ये निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, जिससे आपको पैटर्न आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा इंक सही से आ रहा है और कौन सा इंक सही से नहीं आ रहा है आपके हेड के थ्रू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ब्लैक वाला जो पहला वाला जो लाइन है, ये वाला जो है वो ब्लैक का है। ब्लैक आपका सब कुछ सही से आ रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये वाला जो है वो इसका है, इस ब्लू वाला जो क्या बोलते हैं सियान है, तो यहाँ सियान जो है ये टूट टूट करके आ रहा है। मतलब पूरा लाइनिंग, इस तरह का लाइनिंग इसमें नहीं आ रहा है। जैसे ये वाला आया, ये वाला, ये सही है, मतलब मैजेंटा जो है वो भी सही है, और ये जो है ये सही से नहीं आ रहा है ये लाइनिंग। अगर सही से रहेगा तब समझिए सही प्रिंट होगा, अदरवाइज आपका प्रिंट सही से नहीं आ पाएगा। तो मैंने ये चेक किया, तो चेक करने पर मिला हमको कि सियान वाला जो है वो टूट टूट करके इसका जो अलाइनमेंट है वो टूट रहा है, मतलब कि प्रिंट सही नहीं आने वाला है। और यहाँ पर पीला वाला है, येलो कलर है, बहुत लाइट है, तो हम बारीकी से देख पा रहे हैं। आपको ये कैमरा में नहीं दिख पा रहा होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसमें भी ये टूट टूट करके आ रहा है, इस ये भी लाइन सही से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम ये प्रिंट कैसे निकाला जाता है, आपको प्रिंटर से L130 का भी वही सिस्टम है और L805 का भी वही सिस्टम है। ये प्रिंटर डॉक्यूमेंट प्रिंटर है L130, मैं उस पर बात करूंगा आज। तो चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटर यहाँ पे रखा हुआ है L130, और इसको मैं अभी प्रिंट करके कमांड देने वाला हूँ। किस तरह से दिया जाता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इसको मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि कैसे करना होता है। सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, अगर विंडोज 10 है या 7 है, कोई भी हो, आप किसी में भी जा सकते हैं। तो यहाँ कंट्रोल पैनल में आपको जाना है। कंट्रोल पैनल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है, ऊपर में डेस्कटॉप पे बना करके रखा है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको डिवाइस एंड प्रिंटर में जाना है, ये वाले ऑप्शन में, डिवाइस एंड प्रिंटर, आप देख सकते हैं डिवाइस एंड प्रिंटर्स, इसके अंदर गए। तो इसमें जितना भी आपका प्रिंटर इंस्टॉल्ड होगा वो सारा प्रिंटर आपको यहाँ पर दिखेगा। मेरा इतना सारा प्रिंटर इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम L130 के बारे में समझ रहे हैं अभी, उसका प्रिंट सही नहीं आ रहा, तो हम उसके आइकन पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेफरेंस का ऑप्शन है, प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये एक मेंटेनेंस वाला पेज खुल जाता है, प्रेफरेंस का पेज खुल जाता है। यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट सेट करके रख सकते हैं, जो भी पेज को आपको हाई करके रखना है, क्वालिटी या लो करके रखना है, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। ये सब के बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा, अभी फिलहाल मेंटेनेंस के बारे में हम समझ लेते हैं। जिसका दिक्कत आ रहा है प्रिंट में, लाइन जो आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मेंटेनेंस वाले टैब में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे नोजल चेक वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। तो ये जो नोजल चेक वाले जो ऑप्शन है ना, इसको क्लिक करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन आएगा। जैसे देखिए, नोजल चेक पे क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पर ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो प्रिंट क्लिक करेंगे ना, तो ये प्रिंट करने के बाद जो है हमारा ये वाला प्रिंट निकला है, ठीक है, जो मैं पहले ही कर लिया था इसलिए दिखा नहीं पाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आपको जो है दिक्कत आ रहा है, तो इसको हम क्लीन करेंगे। पर क्लीन करने के बाद फिर से ये प्रिंट मार करके चेक करेंगे, ठीक है। तो हम क्लीन कैसे करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्लीन आपको यहाँ से करना है, हेड क्लीनिंग से, ठीक है, हेड क्लीनिंग। इससे भी नहीं होता है तब एक दूसरा ऑप्शन है जो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। तो हेड क्लीनिंग का ऑप्शन में गए, हेड क्लीनिंग पे जैसे ही क्लिक करते हैं इस पे, देखिए हेड क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा और उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए हेड क्लीनिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे प्रोसेस आपको दिखाएगा कितना परसेंट प्रोग्रेस हुआ है। ये कंप्यूटर में इस तरह दिखाता रहेगा और आपको प्रिंटर में आप साउंड सुन सकते हैं। देखिए
ये अपना काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सिर क्लीनिंग हो रहा है। इस तरह का प्रोसेस होगा, लगभग 2-3 मिनट लगता है इस प्रोसेस होने में। अब देख सकते हैं, देखिए हेड आगे पीछे हो रहा है, अपने से एडजस्ट कर रहा है, क्लीन करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्लीन होता है। यहाँ प्रोग्रेस आप देख सकते हैं अभी कितना परसेंट प्रोग्रेस, 50% हो गया है। तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट लगता है इसको क्लीन होने में। उसके बाद मैं प्रिंट मार करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह का प्रिंट आ रहा है। अगर लाइनिंग वो जो टूटा हुआ अलाइनमेंट जो था वो अगर सही हो गया तो समझिए प्रिंट सही आएगा। अगर प्रिंट वो अलाइनमेंट अगर सही नहीं हुआ तो प्रिंट सही नहीं आएगा। तो उसके लिए दूसरा एक ऑप्शन है, उसको हम फिर करके देखेंगे। वीडियो पे बने रहें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मैं क्योंकि ऐसी ही टेक्निकल वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go. तो आप देख सकते हैं प्रिंट वो जो है पैट हेड क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से प्रिंट नोजल चेक पैटर्न जो है इस पे क्लिक करके चेक कर लेंगे कि वो प्रिंट सही से मेरा हेड क्लीन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा हमको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक रफ पेपर लगा लिया है यहाँ पर, क्योंकि अच्छा पेपर क्यों वेस्टेज करें, थोड़ा सा का काम है आगे में, इसलिए यहाँ पे रफ पेपर एक लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट नोजल चेक बटन पे क्लिक किए और फिर यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किए। और यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है कि ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो गुड है, नीचे वाला क्लीनिंग नीडेड है ना। मतलब इसी तरह का आपको प्रिंट में मैंने दिखाया था पहले पेपर में। तो अब चेक करते हैं कि क्या कैसा है प्रिंट निकल रहा है। ये रेड एंड व्हाइट पहले से लिखा हुआ था, इस पर ना जाइए आप, यहाँ पर रफ वाला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सुधार हुआ है इसमें। यहाँ देखिए आप, जो लाइनिंग यहाँ पर नहीं आ रहा था वो अभी पूरा लाइनिंग आ रहा है, एकदम हल्का सा 1-2 लाइन टूटा हुआ है। एक बार और अगर क्लीन करेंगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और येलो वाला लाइन भी मुझे दिख पा रहा है, यहाँ से आपको कैमरा में नहीं दिख रहा, बहुत लाइट है येलो, इसलिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है पूरा, मतलब वो भी सही लाइनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। मैजेंटा में भी सही है, ब्लैक में भी सही है, खाली सियान में एक आध लाइन अभी टूटा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो प्रिंट होते होते सही हो जाएगा। मतलब अब हमको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट अब हम कमांड दे सकते हैं, अब काफ़ी अच्छा प्रिंट आने का उम्मीद है। अच्छा, उसके बाद हम प्रिंट करके दिखाते हैं, अभी आपको एक डॉक्यूमेंट एक फ़ोटो है उसको प्रिंट करके दिखाते हैं कि कैसा प्रिंट आ रहा है। ठीक है, अब इसको फिनिश करके हटा देते हैं यहाँ से अब इसका काम। अच्छा, अगर इससे भी नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ता है। इससे अगर नहीं होता तो हम जाते हेड क्लीनिंग में, क्लीनिंग से नहीं होता तो हम जाते पावर इंक फ्लशिंग में। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, पावर इंक फ्लशिंग। इससे क्या होता है, लेकिन आपका इंक जो है वो बहुत ही वेस्टेज जाता है। इसमें क्या होता है, पूरा पावर दे करके फ्लश कर देता है इंक को, सारे हेड के मतलब नोजल से सबको फ्लश करता है एक एक करके। जैसे 4 इंक वाला ये प्रिंटर है तो 4 इंक को पूरा अच्छे तरीके से फ्लश करेगा। फ्लश मतलब कि बहुत इंक इसमें वेस्टेज जाता है, इसलिए ये लास्ट ऑप्शन में करते हैं कभी, क्योंकि इंक महंगा होता है, हम क्यों बर्बाद करने जाए। सबसे पहले हम लोग को ये वाला चेक करना रहता है, नोजल चेक वाला ऑप्शन। अगर इससे 2-3 बार करने से नहीं होता है तब इसको हम लोग करते हैं, और ये दिन में एक बार ही होगा, एक डेट में एक बार होता है, ये इसका फंक्शन है, इसके सेटिंग में होता है ये चीज़। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह पावर इंक फ्लश में करने के बाद यहाँ से जा करके जो डायलॉग बॉक्स आएगा इसको ओके ओके कर देंगे, उसके बाद ये फ्लशिंग चालू हो जाएगा। अभी हमको नहीं करना है, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको ओके करके हटा दें। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से करना है। अभी मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का प्रिंट आ रहा है, तब आपको सही से समझ में आ जाएगा कि हाँ रियल में ये वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, अब जैसे इस चीज को हमको प्रिंट करना है, इसको मुझे मिरर पे प्रिंट करना है, तो रोटेट करके फ्लिप कर देते हैं, ये मिरर हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल पी का कमांड देते हैं, कमांड देने के बाद पेज सेटअप में जाते हैं, A4 है, सही है। उसके बाद प्रिंट के ऑप्शन पे जाने के बाद प्रिंटर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, L130,
जो कि अभी मैंने क्लीन किया है, उसके प्रॉपर्टी में जाएंगे। ये मैट और हाई करके रखा हूँ मैं, मुझे वैसे ही चाहिए क्योंकि पेपर मैट है और क्वालिटी हाई में चाहिए। उसके बाद प्रिंट कर देंगे, रिव्यू आ गया। अब यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं मैंने प्रिंट निकाल लिया है। अभी देखिए कितना शानदार और फाइन एकदम प्रिंट आया है, कहीं पे कोई दाग नहीं है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखिए दोनों में, पहले वाले में और अभी वाले में। देखिए यहाँ पे रेड वाला में थोड़ा ब्लैकिश टाइप का हो गया है, ये रेड वाला प्योर रेड है। यहाँ पे रेड में लाइनिंग आ गया है ब्लैक जैसा, और यहाँ पे कोई लाइनिंग नहीं है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कैसे खुद से ये सब कुछ करना है। आपको कोई सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चीज़ का नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको सर्विस सेंटर ले जाना होगा और वो लोग झूठ मूठ का 400-500 रुपये चार्ज कर देंगे और आपसे इसी तरह हेड क्लीन करके आपको दे देंगे और आप सोचेंगे कि चलो सर्विसिंग कर दिया वो लोग। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह की टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। आपको अगर किसी भी तरफ का कोई टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, प्रिंटर से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड या टेक्निकल जो भी चीज़ है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।